मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी होल शेप बकेट कैसे बनती है। कोई भी शेप होल शेप कैसे बनती है, आपने एक बड़ी शेप लेनी, इसके अंदर एक छोटी शेप रखनी उल्टी करके। क्या होगा जब ऐसे रखेंगे तो इस वाले एरिया में फिलिंग नहीं होगी ना इसके अंदर जाएगी, क्योंकि जाने वाला एरिया हमने नीचे, ये जो शेप का फिलिंग वाला एरिया ना इसको ऐसे करके बंद कर देना है, ऊपर से फिलिंग कर लेनी है। और जब हम इसे उल्टा करेंगे तो हमारी होल शेप तैयार हो जाएगी। आप लोगों को डेमो करके दिखाती हूँ। अभी ये स्ट्रक्चर की मैंने पोरिंग की है, अभी आप लोगों ने देखा है। मैं इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लूँ कि कहीं से ड्राई और कहीं से वेट ना हो, एक जैसा हो, ताकि शेप्स भी कहीं से हार्ड और कहीं से सॉफ्ट ना हो। वैसे तो स्ट्रक्चर में अब वो सख्ती नहीं रही जो पहले थी। अभी आप लोगों ने देखा कि पहले इस प्योर रेडेड के चंक्स आप लोगों ने कभी नहीं देखे होंगे, मुझे सांस चढ़ गया पोरिंग करके। फर्स्ट टाइम प्योर स्टेन रेडेड के चंक्स देखे हैं, वो भी इसलिए कि इसकी सख्ती निकल चुकी है। थोड़ा थोड़ा लिक्विड मैं हर टेक्स्चर में ना निकाल देती होती हूँ। ऐसे ये देखें, जब मुझे लगे पानी ज़्यादा हो रहा है तो मैं कोई एक शेप लेती हूँ और उसके अंदर पानी डाल देती हूँ। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके सारा लिक्विड निकल जाता है। अब ये जो सारी चीज़ें आसपास पड़े हैं ना, ये टेक्स्चर ये सारे लिक्विड है। ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये लिक्विड है, ठीक है। ये बिल्कुल साथ जमा हुआ है लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है। ये देखिए इसी तरह ये है, ये भी लिक्विड है। तो मैं यहाँ फेंक देती होती हूँ। सो फिलहाल अभी हम जहाँ पे थे वहीं पे रहते हैं। देखिए अभी जितना मुझे लग रहा है ना परफेक्ट है, इसमें पानी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, कम कम पानी लग रहा है क्योंकि बड़ी शेप बनानी है। उतने में मैं ये देखें इसको सेंटर में रखूँगी बिल्कुल, और फिर इसमें फिलिंग कर लूँगी। नज़र आ रहा है, एक दफ़ा ऐसे ताकि नीचे तक फिलिंग हो जाए। मैं भी कहूँ ये इतना जोन क्यों है, क्योंकि मैंने वो शेप दिखाने के लिए जोन किया था ना, हम उसे वहाँ जाके खाली एरिया पे निकाल देते हैं। यहाँ पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उफ़ थोड़ी सी टेढ़ी होकर निकली है। अब ये ना मैं बकेट उठाऊँ और ये टूट जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ओ वाओ, इट्स अमेजिंग। एज यू कैन सी, ये देखें जितना ये था उतना होल अंदर आ गया है, सिर्फ ए एक उंगली जितना, ये जो पूरी उंगली है ना सिर्फ ये अंदर जा रही है। ये देखिए मैंने कहा काफ़ी टाइम हो गया होल शेप नहीं बनाई, चलो होल शेप बना लेते हैं और साथ में ट्यूटोरियल शेयर कर देती हूँ। सो मैं काफ़ी ज़्यादा होल शेप्स बना के आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि मैंने आपको डेमो दिखा दिया कि ये मैंने कैसे बनाई। सो सारी होल शेप्स तैयार हो गई हैं, कुछ टेक्सचर बच गया था, फिर मैंने जो हॉल करने के लिए शेप चूज़ की थी उसकी शेप्स बना दी और बाकी ये हॉल शेप्स। कैसा लगा आप लोगों को ये ट्यूटोरियल शेप मेकिंग और पोरिंग और मिक्सिंग, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।